हाय हाय, स्वागत है आपका आई हील टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है आपकी वीकली गाइडेंस। सितंबर 11 टू सितंबर 17 ये जो नया वीक आ रहा है उसमें कौन सी एनर्जीज आपकी इर्द गिर्द रहेंगी और कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कौन सी गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार लगा सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर पाइसीज साइन में है, मीन राशि में है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। पाइसीज में जब आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी आपके साइन के लिए, बहुत ही जैसे मुझे दो जो जेमिनी की एनर्जी नहीं होती, स्प्लिट पर्सनैलिटी, जैसे कि आप दिखाने में दिखा रहे हैं कि इट्स ऑल गुड, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप खुश हैं, यू नो सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी लोगों को, लेकिन बिहाइंड द सीन जैसे कुछ मुझे ऐसा स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे कहते हैं, अगेन जैसे दो चेहरे, दिखा कुछ और रहे हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ परेशानी है, कुछ स्ट्रेस है, मुझे अभी भी वो चीज़ महसूस हो रही है। इसलिए मैंने इस क्रिस्टल को भी इससे मैं अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में रखे हुए है, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या किया जाए, आपके जो नेक्स्ट स्टेप है जैसे वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं उदास नहीं कहूंगी कि आप उदास हैं, मुझे क्योंकि उदासी तो नहीं महसूस हो रही है, लेकिन वो एक होता है ना, एक हैप्पी डे होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, काम पर भी अच्छे रहे, खाना भी आज अच्छा खाने को मिला, अच्छे से आपने आज कपड़े पहने और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। लेकिन ये दूसरा दिन है जब आपको खाना अच्छा मिला हो शायद, लेकिन अगर आपने जिस तरीके से आप तैयार हुए हैं आपको उतनी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले। यू नो फॉर एग्जाम्पल, या दिस इज ईजी, सी समझ लीजिए, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए जितने आपको मिलने चाहिए, और इसकी वजह से ना आप थोड़े से हलचल में है कि हाँ मैं इतनी अच्छी तरीके से तैयार भी हुई हूँ लेकिन फिर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा जो उदासी वाला नहीं है लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है आपके पास सिक्स ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस एनर्जी, मुझे अच्छी लगी है एनर्जी। अगेन ओ सी, तीन पेंटिकल्स यहाँ है और तीन पेंटिकल्स यहाँ, तो एक्सक्यूज मी, तो अगेन अब वो बैलेंस वाली एनर्जी, यू नो वो स्प्लिट एनर्जी जैसे मैंने पहले कहा। ये डोनेशंस की और यहाँ पर मुझे संकेत मिल रहा है इस हफ्ते में ना, दान पुण्य जितना आप करेंगे उतना आपका जो कन्फ्यूजन है या कोई ऐसे स्ट्रेस में है आप, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। और मैं ये अक्सर कहती हूँ लोगों को कि ये जो दान हम करते हैं दूसरों के खुशी में, जब हम उसकी खुशी को बढ़ाते हैं दूसरे लोगों की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आप 10 रुपये दान करें तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। वो ब्लेसिंग किस रूप में आपके जीवन में आएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा, उसका स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में गुड कर्मा को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको गुड कर्मा दूसरों के जीवन में भी देना होगा, उनके साथ अच्छा करना होगा। और ये बहुत यू नो कैसे कहते हैं उसे हिंदी में, बहुत हल्की सी बात मैं कह रही हूँ कि आपको जैसे थाउजेंड्स रुपीस डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी होमलेस को देख रहे हैं तो उसे चाय ले दीजिए, कोई डॉग है अगर आपके आसपास कोई लवारिस जैसे तो उसको दूध पिला दीजिए, यू नो छोटी छोटी चीज़ें, ये जैसे बहुत ही गुड रूटीन जिसे कहते हैं कि कुछ देखा आपने और उसमें अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, सिर्फ इतनी सी बात है, इतना सा बॉटम लाइन है सिर्फ। अगर आप किसी की मदद इस हफ्ते में कर सकते हैं ना तो उसकी मदद कर देना, बिना किसी अपने मन में कोई स्वार्थ लेकर आए कि हाँ अगर मैं मदद करूंगा तो पता नहीं यूनिवर्स भी मुझे कुछ देगा। यूनिवर्स दे ना दे लेकिन वो आपका गुड कर्मा में जरूर लिखा जाएगा। तो ये वो कार्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे अच्छी लगी इसकी एनर्जी। मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ सूफी संतों की और फ़कीरों की जो एनर्जी है ना, मुझे मेरे ख्याल से मैं इनसे बहुत कनेक्ट होती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी इनकी एनर्जी। मेडिटेशन में हैवी मैसेज था लेकिन ये बहुत अच्छा मैसेज है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, फोर ऑफ कप्स। ओके सी
ओके सी यहाँ पर ये जो आप दिखा रहे हैं वो है और बैकग्राउंड में ये है, तभी महसूस हुआ था गाइस, तभी महसूस हुआ था मेडिटेशन में. वेरी इंटरेस्टिंग. खास करके ये जो भी चीज़ है जिसके बारे में भी मैंने पहले मेडिटेशन में बात की, ये आपके लव लाइफ को लेकर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ये तीन कप तो हैं, थ्री ऑफ कप्स तो हैं, खुशियाँ तो हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एस ऑफ कप्स जो है वो प्यार, वो जो टैरो में जो प्यार की जो सबसे बड़ी निशानी है वो एस ऑफ कप है. तो ये डेफिनेटली जो भी कंफ्यूजन या जो भी स्ट्रेस है या जो भी थोड़ी सी छलकी सी उदासी है, ये आपकी रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है. जैसे सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, या ऐसा नहीं है कि कोई गलत फहमी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग पीस आए, मुझे नहीं समझ में आ रहा गाइस. मैं बहुत ध्यान लगाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कप है तो मुझे डेफिनेटली ये लव, आपके लव रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है गाइस, कुछ तो मिसिंग है. वो क्या है अब मैं नहीं बता सकती, आपको खुद समझना होगा कि ये जो मिसिंग पीस की मैं बात कर रही हूँ वो क्या है. इस हफ्ते में वो एनर्जी ना आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी को लो रखेगी. इस कार्ड में देखिए वो कैसे मुरझाई सी हुई अपने सोफे पर जैसे लेटी हुई है, उसके पास कोई जैसे एनर्जी नहीं है, वो सफूर्ती नहीं है जैसे चीज़ों को करने की, हालांकि वो करना बहुत कुछ चाहती है. ये उसका फेस है और ये उसका माइंड है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को. तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है कि इस हफ्ते आपकी जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी, जैसे आपको काम बहुत करने हैं इस हफ्ते में, लेकिन जो वो जो शक्ति है, वो जो स्ट्रेंथ होती है उन चीज़ों को करने की, काम को करने की, वो थोड़ी सी बैटरी आपकी लो रह सकती है. इस कार्ड से मुझे वही ऊर्जा मिल रही है. और ये जो भी चीज़ है ये आपके लव से, अगेन यहाँ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी हो सकती है. जैसे किसी डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है लेकिन वो वैसे नहीं जाना जैसे आपने सोचा था. अगर आप किसी डेट पर जा रहे हैं तो वो डेट का वैसे नहीं जाना जो आपने अपने माइंड में सोचा था कि हाँ हम ये सब करेंगे, खुश रहेंगे, जैसे वो उसमें जैसे कोई कमी आ जाए, जैसे किसी चीज़ में कोई एक्सपेक्टेशन में कमी आ जाए, ये वैसी एनर्जी है. और ये जो एक कप जो बिखर गया है, यहाँ पर तीन कप हैं, देखिए तीन कप हैं, एक तो वहीं सुरक्षित पड़ा है, ये दो कप हैं और ये एक कप में जैसे वो जल छलक गया है, जैसे कुछ, जैसे अगेन गाइस आई डोंट नो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ. ओह माय गॉड, कुछ बिखर गया है, जैसे कुछ छलक गया हो, जैसे कोई हल्की सी चोट किसी को लग गई हो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, थोड़ा सा कुछ वैसे है. आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. एस ऑफ वांड्स, मैं सन कार्ड कहने लगी थी क्योंकि मुझे सन से लगा कि सन कार्ड, बट खैर दोनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है. सन कार्ड तो होता ही अच्छाई का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है. यहाँ पर ये जो एस ऑफ वांड है, यहाँ पर ये जो रेनडियर है, ये जंप करने के लिए रेडी है लेकिन बीच में ना खाई है, लेकिन वो इतनी गहरी नहीं है कि वो जंप ना कर सके. ये जो भी कंफ्यूजन है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं. यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की बात हो रही है गाइस, वो लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं ना, कि हाँ वो कैलकुलेटिव रिस्क जिसे कहते हैं, इसको अभी देखना होगा कि इसे कैसे जंप लगानी है, वो कैलकुलेटिव रिस्क जिसे कहते हैं, सोच समझ कर. और यहाँ पर लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं कि वो एक तो होता है ना, जब मान लीजिए आपके सारे दोस्त आपसे कहें कि नहीं तुम ये मत करना, इसमें आपका नुकसान होगा, लेकिन एक आप हैं जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको कह रही है कि जो भी हो सक्सेस आपको मिलेगी, ये जो भी चीज़ है सक्सेस उसमें आपको ही मिलेगी. ये वो है लीप ऑफ फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना कि हाँ जो होगा वो अच्छा ही होगा. हो सकता है कि फिलहाल उसका स्वरूप अच्छा ना हो. यहाँ पर खाई जो है अगेन वो इतनी गहरी नहीं है कि ये जंप ना कर सके. और अब अगर आपको पता हो, आई थिंक ये स्टैग कहते हैं इन्हें इंग्लिश में, ये छलांग लगाने में बहुत
सक्षम होते हैं, तो इसके पास वो एबिलिटी है कि वो ये शलांग जो है वो लगा सके, ठीक है। बस उसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जो ये सन कार्ड है ना, ये जो सन की एनर्जी है ये तो बहुत ही अच्छी है, रोशनी से भरी हुई, और जैसे हैप्पीनेस, गुड रिजल्ट, जो आपने मेहनत की है उसका उसका फल आपको मिलना, तो वैसी एनर्जी है इसकी, तो अच्छा वीक है। कुछ ट्रिकी एनर्जीज ज़रूर हैं, हर दिन तो हमारा वो मिल्क एंड हनी रेनबो वाला तो नहीं हो सकता, ज़िंदगी है राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखिएगा आप। आपका जो फाइनल गाइडेंस है वो देख लेते हैं गाइस। लेडी पॉश या डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। इस हफ्ते कोई लेसन सीख सकते हैं मेरे पाइसिस, और ये वो लेसन होगा जिससे एक्चुअली आपकी सोल की ग्रोथ होगी। ये जो है ना, ये जानवर जो है, ये जो छलांग लगाएगा, इससे इसका एक तो पहले मसल्स जो हैं वो अच्छे होंगे, और ये सीखेगा जो आने वाली आगे की छलांगे हैं, ऐसी बहुत सी छलांगे से लगानी है आगे, है ना। तो आने वाले जितने भी ऐसे ऑर्डर्स हैं इसके लिए, उसके लिए इसकी तैयारी हो रही है। जैसे ये जो भी लेसन आप सीखेंगे, ये लीप ऑफ फेथ का जो भी लेसन आप सीखेंगे, आने वाले समय में ये आपको डिसीजंस लेने में, आपका आने वाले जो साइकिल्स हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो एक्चुअली ये अच्छा वीक है आपके लिए। इस वीक में अगर कुछ बुरा भी होगा ना, तब भी मुस्कुराइएगा, क्योंकि वो उसमें कुछ लेसन छुपा हुआ है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ये आने वाले दिनों के लिए, जैसे आने वाले समय के लिए आपको तैयार किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। वेरी नाइस एनर्जी गाइस, वेरी नाइस। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर ये जो मांग टीका है, ये जो इसकी चुनरी सजी हुई है, इस हायर सेल्फ की, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है। इसके गले में भी फूलों की माला पहनी हुई है, जैसे गले में, और वो जैसे तैयार है, वो जैसे दुल्हन आती है तो स्पॉटलाइट होती है, तो वो स्पॉटलाइट भी है इसके पीछे। आप में से कुछ लोगों को कुछ जैसे रिश्ता आ सकता है, या आपकी शादी की तैयारी कुछ ऐसा हो सकता है इस हफ्ते के दौरान गाइस। उसके आसपास जैसे बातचीत होगी, जैसे आपकी शादी के बारे में। हर किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनके साथ हो उनसे बात कर रही हूँ मैं। अच्छी एनर्जी है अहमद, इसके साथ बहुत मिलता जुलता रंग है इसका। वेरी नाइस Pisces, मैं इसको यही ख़त्म करूँगी इस रीडिंग को, बाकी मैं आपके ऊपर मैसेज इसको छोड़ती हूँ। आप इसको इसमें से कौन से रंग ढूंढने की कोशिश करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइस बाय।